हम तुमको कौन सी आजादी चाहिए? अपने इंडिया से आजादी मांग रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमें चाहिए आजादी, लेकर आएंगे आजादी। अगर हम शर्मिंदा है, तो ताकत को जाते रहने के लिए सही। डॉट डॉट सरदार, डॉट डॉट
कैसे हो दोस्त? तुम लोग कैसे समझ सकते हो?
गुलामी के इंतहा, गुलामी के सब जानने हैं तो उस 12 साल के बच्चे से जाकर पूछो। Thank you.
खड़े थे तो ढेर सारा मांग कर रहा होगा। जो कहीं जैसे तैसे अपना पेट भर पाते हैं,
अपनी जरूरतें पूरी करते हैं पर एक दिन मर जाते हैं। उनकी ना जिंदगी के वायदे होते हैं मौत के। तो ये परवरिश हमारी पीढ़ी के आते आते कहां थी? हम तो कितने आसानी से अपने देश की बुराई करते हैं, गाली कर देते हैं, 100 वैसे बेईमान फिर भी मेरा भारत महान कहकर अपने ही देश का मजाक उड़ाते हैं और खुल कर बेईमानी करते हैं। सदा हमें तो अपने ही राष्ट्रवाद का सम्मान करने के लिए किसी अदालत के आदेश की दरकार होती है और उसके बाद भी कुछ लोग सीना ठोक कर नाफरमानी की जिद करते हैं। आखिर हुआ क्या है? दोस्त जिस देश ने अपने गुनहगारों की भाषा, उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति को अपना लिया, उसे अपने दोस्त संस्कार याद कैसे रहते हैं? फिर सत्ता, पैसे और ताकत के लालच लोगों ने नजारे कितनी साजिशें रची तुम्हें तुम्हारी धरती के गौरव से अलग करने के। लेकिन इसके बावजूद आज भी वो मूल तत्व तुम्हारे अंदर जिंदा है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने, खुद के भीतर उस हिंदुस्तानी रूप को जगाने, उसे महसूस करने। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं और तुमने भी तो न जाने कितनी विदेशी किताबें पढ़ी हैं अपने क्रांति के दौर में। बिल्कुल सर, बात तो ये है कि आपको आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे महान विचारकों से मिली है। नहीं, हमारा ध्यान हमेशा खतरनाक होता है, दूसरों के साथ लोग आजादी की चाहत में खून है और अक्षर पढ़ने की काबिलियत हासिल करने से पहले मैंने राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों की कहानी पढ़ी। लेकिन तुम रात वाले दोनों ने बस चंद देशी किताबों और क्रांतिकारी विचारों के कारण मुझे भी एक ही रंग में रंग दिया है। तुम लोग इस देश के नहीं, मेरे जैसे क्रांतिकारियों के भी गुनहगार हो। तुम्हें विदेशों की चंद किताबें तो दिखी लेकिन सदा मेरी जेल में रहने वाली गीता कभी नहीं दिखी। और स्वामी विवेकानंद की जीवनी, अरे वो भी तो तुम्हें मेरे साथ नहीं दिखी। अरे छोड़ो सका, अरे गीता का क्रांति से क्या लेना देना? यही तो तुम्हारी मुसीबत है मेरे शौक के क्रांतिकारी दोस्त। अरे अगर कोई क्रांतिकारी अपने सर पर कफन बांधकर सत्य के लिए, न्याय के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जंग में उतरता है तो ये पूरी दुनिया एक ही संवाद है जो उसकी प्रेरणा बनता है और वो है गीता। वो गीता जो इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य जानती है और मौत के प्रति बेपरवाह होने का पाठ पढ़ा सिखाती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो जीवन और मौत का सवाल अहम नहीं होता। लेकिन सदा एक बात, तुम्हें क्रांति का रास्ता मिला था? मेरा मन, मेरी आत्मा मेरे देश को समर्पित थी तो राह तो मिल ही थी। लेकिन हाँ, इतना आसान भी नहीं था राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी की सहूलत। और हम पहुंच गए लाहौर के नेशनल कॉलेज में। ये बात किताबें ही पढ़ते हो?
या कुछ किया नहीं है देश के लिए? बचपन से अपने सीने को साफ और इकट्ठा किया जो एक दिन जुल्म का खात्मा कर। लेकिन ये सब करोगे कैसे? वो मैंने अभी तक सोचा नहीं, लेकिन हाँ वाहे गुरु जी ने अगर मेरे दिल में जज्बा भरा है तो वही उस राहत मिले जाए। तो फिर नेशनल कॉलेज में क्या ले लिया लेना तुम महात्मा के पास? खुद को उनके रास्ते के लायक नहीं समझता मैं, मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। मेरा नाम सुखदेव सिंह फादर है, आप कॉलेज में आके हमसे मिलिए हो तो आगे मिलते रहना, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता भी मिल जाए। चलो जरूर उस्ताद जी। Mm-hmm.
पंजाब वाली नौजवान सभा का भगत सिंह जी। हाँ वही भगत सिंह। तो हमसे क्या चाहते हो? पूरा हिंदुस्तान एक आप में चढ़ना, एक आप वो जो फ्रंटियर ने इस देश में लगा रखी, और दूसरी आप वो जो महात्मा जी की अगुवाई वाले नरक हयातियों ने हम जैसे नौजवानों के दिल में लगा दी। पास में नदी है, वहां डुबकी लगाकर ये आग बुझाओ। यहाँ इतनी आग ले जल रहे लोगों का कोई काम नहीं है। क्या क्रांति के दिल में आप लोगों को गलत बात है? नहीं, दिल में आग होना कोई गलत नहीं, लेकिन दिमाग ठंडा होना चाहिए बरकरार। क्रांति जोश में होश को देने का काम नहीं। पर ये तो बताओ कि कौन सी क्रांति चाहते हो? वो क्रांति जिसके बाद मुझे मेरी धरती माँ से उपजाए के कारण अनाज खाने में एहसान परामोच ही न लगे, ऐसा न लगे मैं गुलाम माँ का नाकारा बेटा। वो क्रांति जिसके बाद मुझे अपने ही देश में वंदे मातरम बोलने के लिए सोचना न पड़े। वो क्रांति जिसके बाद मैं सांस लूं तो मुझे हवा के हर आते जाते झोंके के साथ आजादी का एहसास हो। वो क्रांति जिसके लिए उन हुक्मरानों के जवाबदेह नहीं बल्कि वो मुझे मेरे खेत का हिसाब दे। वो क्रांति जिसके बाद इस देश के बच्चे बच्चे को यह कहने में गर्व हो कि मेरा देश भारत है और मैं भारतीय हूं। मैं एक भारतीय हूं, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज झमघट पूछे का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे भारत का टुकड़ा हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत का टुकड़ा हो गया।
में आजाद करें और जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोल पाए। रोज सुबह शाम दोपहर चुके हुए सरकार को गाली करते हैं, वो तुम्हारे नए जमाने का भोपू हाँ वो मोबाइल फोन सोशल मीडिया पर गंदगी भी फैला भाई के सरकारी वजीफा लेकर पढ़ने के अलावा सब कुछ करते। ये नशा लड़ाई झगड़ा अय्याशी देश के खिलाफ तुम्हारे तक लगाते हो। अरे लालच है तुम लोगों उस लड़ाई और किस सहनशक्ति की तुलना करते हो। अरे तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गुलामी के उस दौर पर आवाज उठाने पर क्या अंजाम भुगतना पड़ता था। कठोर सरकारी खजाने की लूट के मनमाने तरीकों से अनाप शनाप धाराएं लगाते थे। राजेंद्र नाथ हर्षपाल भाई और ठाकुर रोशन सिंह जी को फांसी पर लटकाया जा चुका। क्रांतिकारियों ने दुख और पीड़ा के साथ गुस्सा और फिर लाला लाजपत राय लाला जी ने तो बस आवाज ही उठाई। साइमन कमीशन हम भारतीयों के संविधान पर एक बड़ी चोट है। ब्रिटानी सरकार ने हमारी व्यवस्था चलाने के लिए हमारे नियम कानून बनाने का काम किया है, वो भी अंग्रेजों को, जो साबित करता है कि इनके सुधार सत्ता में भागीदारी देने की इनकी सभी बातें खोखली और झूठी है। इस कमीशन को हम लाहौर में करारा जवाब देंगे। ऐसा विरोध होगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। लाला जी बिल्कुल सही कहते हैं, हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। सावन को है यही नारा होगा इस विरोध का प्रतीक। लाला जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का वो दृश्य जोरदार नारेबाजी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में खींचाता नहीं पुलिस का वो लाठिया बरसाना लाला जी बीच में खड़े होकर आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। तभी लाहौर का एसपी स्क्वाड खुद निकलकर लाला जी पर लाठिया बरसाना शुरू करता है। मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई है अंग्रेजी सरकार के ताबूत पर यह आखिरी कील साबित होगी। वंदे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव ऐसे नौजवान जिन्होंने 23-23 साल की उम्र में जिस उम्र में हम और आप आज के समय में अपने कौन सी स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है ये भी तय नहीं कर पाते उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें जीवन देना है देश के लिए हमें फांसी चढ़ जाना है हमें कुर्बानी देनी है। फिर कुछ वर्ष पहले एक घटना एक विश्वविद्यालय के कैंपस में हुई जिसमें इस देश के नौजवानों ने जिस तरह की बात की उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि एक नाटक के माध्यम से ही सही लेकिन भगत सिंह को लौट कर आना चाहिए और आज के नौजवानों से कुछ बात करनी चाहिए और कम से कम इतना जरूर समझाना चाहिए कि भगत सिंह उस विचार के नहीं थे जो विचार राष्ट्र को भी नहीं मानता। इसलिए आज इतनी सी भूमिका के साथ आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत है, बाकी विषय आप समझ पाएंगे ऐसी अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद। भगत सिंह जैसे जो राष्ट्रनायक हैं वो आज हमारे देश में आज भी कितने प्रासंगिक हैं और हमारे नौजवानों के लिए हमारे देश के नागरिकों के लिए भगत सिंह जैसे राष्ट्रनायकों को याद करना कितना ज़रूरी है। ऐसे समय में जिस समय वैचारिक संक्रमण का दौर हो और जिसमें लोग अपने ही देश में आज़ादी के नारे लगा रहे हों उस समय में उन्हें आज़ादी की कीमत समझाना और गुलामी के वो दिन याद दिलाना बेहद ज़रूरी है जिन दिनों की त्रासदी को भगत सिंह जैसे राष्ट्रनायकों ने झेला और उस त्रासदी से पार पाने के लिए उन्होंने अपने कुर्बानी दे दी वो शहीद हो गए। ऐसे अनेक राष्ट्रनायक हमारे देश में शहीद हुए जब तब हमें ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी की कीमत को हमें समझना चाहिए। ये नाटक इसी बात का प्रयास है कि भगत सिंह वर्तमान में लौट कर आते हैं और आज के नौजवानों से आज के देश के नागरिकों से वो बात करते हैं वो उनको अपनी कहानी सुनाते हैं इस आज़ादी की कीमत बताते हैं जो आज़ादी आज उन्हें मिली हुई है और उस गुलामी की दास्तान सुनाते हैं जिस गुलामी
को उन्होंने झेला था या उन जैसे हजारों लाखों भारतीय नागरिकों ने झेला था और कुर्बानी देकर हमें आज़ाद देश में जीने का हक दिलवाया था।